हेलो फ्रेंड्स, आप एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इन दोनों एग्ज़ाम को आपको देना है, तो इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय आपको कलर में दिक्कत आती है। कलर अप्लाई करने में, कलर बनाने में, शेड लाइट कैसे बनाने हैं, टीन टोन और शेड कैसे बनाने हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है। तो आज का यह वीडियो उस पर स्पेशल मैंने बनाया है। ये वीडियो देखकर आपका वो प्रॉब्लम 101% सॉल्व होगा। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है टीन टोन और शेड बनाना। टीन टोन और शेड बनाना बहुत ही आसान काम है। यहाँ पर मैं उसका प्रैक्टिकल भी दूंगा, टीन टोन शेड बना के दिखाऊंगा और उसके साथ साथ उसका इंफॉर्मेशन भी दूंगा बच्चों। और मेरे पास जो कलर है यानी 10-12 जो कलर है, सभी के मैं यहाँ पर टीन टोन और शेड बना के दिखाऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टीन किसे कहते हैं, टोन किसे कहते हैं और शेड किसे कहते हैं। बच्चों, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। इस चैनल पर ड्राइंग एग्जाम के सब्जेक्ट पर ऑल सिलेबस वीडियो के माध्यम से अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ मेरा एक मराठी लैंग्वेज में चैनल है आर्ट मास्टर गोरे, उसे भी आप देख सकते हो और घर बैठे इन दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर लिया है और ये जो दो कलर है इसे कलर नहीं बोलते, तो ये शेड है, ये लाइट शेड है और एक डार्क शेड है, और कलर ब्लू मैंने लिया है। ब्लू की जगह पर आप कोई भी कलर ले सकते हो। इस ब्लू को हम लाइट करेंगे और डार्क करेंगे। लाइट करने के लिए वाइट कलर यूज करेंगे और डार्क करने के लिए ब्लैक कलर यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टीन बनाएंगे, तो इस प्रकार का एक पैलेट मैंने लिया है। आप जब ऑब्जेक्ट ड्राइंग, स्टिल लाइफ कलर करते हो, मेमोरी ड्राइंग कलर करते हो, डिजाइन को कलर करते हो, तो आपको कोई भी कलर लिया तो उसका टीन टोन और शेड बनाना होता है। तो उसके लिए आज का वीडियो बहुत यूजफुल हेल्पफुल होगा। बच्चों, यहाँ पर पहले मैंने व्हाइट कलर लिया इस प्रकार से। व्हाइट में मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू कलर मिक्स कर रहा हूँ। ये देखो, व्हाइट मैंने ज़्यादा लिया है, ये हो गया ब्लू का टीन। ये देखो, ये हो गया ब्लू का टीन। जैसे जैसे हम उसमें ब्लू कलर ज़्यादा ऐड करते जाएंगे तो उस टीन में आपको चेंज दिखेगा, बदल दिखेगा। ये देखो, ये डार्क डार्क होते जा रहा है इस प्रकार से। ये हो गया टीन। व्हाइट कलर में आप कोई भी कलर मिक्स करो, रेड करो, येलो करो, ऑरेंज करो, पिंक करो, तो आपका वो टीन बन जाएगा। अब बनाएंगे टोन। देखो, यहां पर मैंने व्हाइट लिया है, थोड़ा ब्लू लेने वाला हूं मैं। अब हमें जितना ब्लू लिया उतना ही ब्लैक लेना है, तो ये हो गया हमारा टोन। ये क्या हो गया, टोन। टोन कैसा तैयार होता है, तो थोड़ा व्हाइट और थोड़ा ब्लैक मिलाकर टोन तैयार होता है। ज़्यादातर ड्राइंग में जब आप कलर करते हो तो हर समय आपको अलग अलग कलर के टीन टोन बनाने पड़ते, तो वहाँ पर इसका यूज होने वाला है। देखो, इससे मैंने डार्क बनाया। दोनों की मात्रा क्या करनी है, एक जैसी बढ़ाते जाना है। कलर को अच्छी तरह मिक्स करना है। यहां पर हमने टीन और यहां पर टोन बनाया। अब बनाएंगे शेड। शेड बनाने के लिए हमें क्या करना है, ब्लू कलर लेना है। आप कोई भी कलर ले सकते हो और उसमें ओनली ब्लैक कलर
ऐड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। पहले मैंने थोड़ा ब्लैक कलर यहाँ पर ऐड किया है इस प्रकार से, अब इसे मैं ज़्यादा ऐड करते जाऊँगा तो ये हमें डार्क, इसका डार्क शेड मिलता जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसान है टीन टोन शेड बनाना। यहाँ पर हमने ब्लू कलर में ओनली व्हाइट कलर को ऐड किया, मिक्स किया, तो ये हो गया हमारा टीन। यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक को इक्वली यहाँ पर मिक्स किया, एक जैसा मिक्स किया तो यहाँ पर हमें मिल गया टोन। यहाँ पर ब्लू में हमने ब्लैक कलर को मिक्स किया, यहाँ पर हमें मिल गया शेड। इस प्रकार हमने आज टीन टोन शेड को कैसे बनाना है यह सीखा है। बच्चों, इसके आगे का वीडियो भी आपको देखना है, यहाँ पर मैं हर कलर में व्हाइट और ब्लैक मिक्स करके कैसे टीन टोन शेड बना के दिखा रहा हूँ, वो भी देखो। और इसका यूज आपको ज्यादातर डिजाइन और भी ड्राइंग में कलर के लिए होने वाला है। इस चैनल यही सब्जेक्ट पर मेरा एक अलग वाला वीडियो है, वो देखने के लिए आपको ऊपर वाले आई बटन को क्लिक करना होगा, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।